Welcome all to the e-learning class of course 9, that is assessment for learning. Myself Dr. R.N. Lenka of Chanakya College of Education. Today's topic is Bloom's taxonomy of learning objectives or Bloom's taxonomy of learning domains. हम सबको पता है learning is a continuous process. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया और ये एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया, ये एक बहुउद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया. इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विभिन्न डोमेन में हम आलोचना कर सकते हैं. डोमेन का मतलब ये है, ह्यूमन माइंड हैज थ्री लेवल्स, नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड स्किल लेवल. अकॉर्डिंगली बेंजामिन एस ब्लूम, बी एस ब्लूम इन 1956 और उनके सहयोगियों के साथ लर्निंग डोमेन का एक क्लासिफिकेशन बताए हैं, जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं. टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग डोमेन्स या टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. आज वी नो थ्री प्रोमिनेंट डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, अफेक्टिव डोमेन दैट इज डीलिंग विथ एटीट्यूड्स, इमोशंस, फीलिंग्स, भावात्मक क्षेत्र, भावात्मक डोमेन. लास्ट वन इज साइकोमोटर या स्किल डोमेन. डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विकास, ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, जिसमें ज़्यादातर रिकॉल और रिकॉग्निशन को प्राधान्य देते हैं हम, उसे कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग. पर्टिकुलरली ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के साथ या बौद्धिक क्षमताओं के साथ जुड़ा हुआ है. कॉग्निटिव डोमेन के सब डोमेन का हम बात करें तो पहले आता है दैट इज नॉलेज, ज्ञान. व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज इज द रिकॉल डाटा और इंफॉर्मेशन. इट इज द एबिलिटी टू रिकॉल डाटा और इंफॉर्मेशन. इट इज द एबिलिटी ऑफ द लर्नर टू रिकॉल डाटा और इंफॉर्मेशन. रिकॉलिंग एबिलिटी एंड रिकॉग्निशन एबिलिटी. वेरी सिंपल, द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिहेवियर अंडर कॉग्निटिव डोमेन इज नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल, रिसाइट ए पोएम, रिसाइट ए पॉलिसी, कोट प्राइसेस, रिसाइटिंग द सेफ्टी रूल्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉलेज डोमेन और नॉलेज सब डोमेन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग. द एक्शन वर्ब्स और द वर्ब्स दैट डील विथ नॉलेज डोमेन आर डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, नो, लेवल, लिस्ट, मैच, नेम, आउटलाइन, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिप्रोड्यूस, सिलेक्ट, स्टेट. दीज आर द सम ऑफ द वर्ब्स. ये कुछ क्रियाएं हैं जिसको व्यवहार करते हुए
हम नॉलेज डोमेन का ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, डिफाइन द टर्म करिकुलम. फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब टू प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, आइडेंटिफाई टू एलिमेंट्स ऑफ असेसमेंट, लिस्ट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट. दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स डीलिंग विथ नॉलेज डोमेन और नॉलेज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग. नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन बोथ. सिंपली इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव. दैट मीन्स द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, ट्रांसलेशन और इंटरपोलेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस और स्टेट द प्रॉब्लम इन ओन वर्ड्स. दैट इज व्हाइल इट इज बेटर देन नॉलेज. कॉम्प्रिहेंशन इज ऑलवेज बेटर देन नॉलेज. दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज बेटर देन नॉलेज. दिस इज हायर ऑर्डर कॉग्निटिव डोमेन, सब डोमेन. कुछ एग्जाम्पल का बात कर सकते हैं हम लोग. री राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट राइटिंग, एक्सप्लेन इन ओन वर्ड्स द परफॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ट्रांसलेट एन इक्वेशन इन टू ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट. व्हाइल देर इज अंडरस्टैंडिंग, देर इज बेटर लर्निंग. की वर्ड्स, कुछ प्रमुख शब्द या क्रियाएं जिसको व्यवहार करते हुए हम लोग ये बोधात्मक उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य का प्रयोग या लिख सकते हैं, वो है कॉम्प्रेहेंड, कॉन्वर्ट, डिफेंड, डिस्टिंग्विश, एस्टिमेट, एक्सप्लेन, एक्सटेंड, जनरलाइज, गिव एग्जांपल्स, पैराफ्रेज, प्रेडिक्ट, रिराइट, समराइज, ट्रांसलेट एट्सेट्रा. ये सब कर सकता है जब कोई भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी ये सब क्रियाओं को प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं या कार्य कर सकते हैं, तो हम उसको अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव मानते हैं. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन. बी एस ब्लूम और उनके टीम के हिसाब से एप्लीकेशन इज हायर ऑर्डर सब डोमेन इन कंपैरिजन टू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. इट इज द एबिलिटी टू यूज ए कॉन्सेप्ट इन ए न्यू सिचुएशन और अप्लाई व्हाट इज लर्नड इन द क्लासरूम इन टू लाइफ सिचुएशंस और वर्क प्लेसेस. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न इज एप्लीकेशन, अप्लाइंग द एक्वायर्ड नॉलेज इन टू रियल सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल, यूज ए मैनुअल टू कैलकुलेट एन एम्प्लॉइज वैकेशन टाइम, अप्लाई लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू इवैल्यूएट रिलायबिलिटी ऑफ ए रिटन टेस्ट. द की वर्ड्स फॉर दिस सब डोमेन आर अप्लाई, चेंज, कंप्यूट, कंस्ट्रक्ट, डेमोन्स्ट्रेट, डिस्कवर, मैनिपुलेट, मॉडिफाई, ऑपरेट, प्रेडिक्ट, प्रिपेयर, प्रोड्यूस, शो, सॉल्व एटसेट्रा. प्रैक्टिकल यूज, दिस फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल यूज ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज इन टू रियल लाइफ सिचुएशंस. वास्तव जीवन में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करना इस शिक्षण उद्देश्य का महत्व है. नेक्स्ट इज एनालिसिस, विश्लेषण. एनालिसिस द एबिलिटी टू सेपरेट मटेरियल और कॉन्सेप्ट्स इनटू कंपोनेंट पार्ट्स सो दैट इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड. हेंस इट डिस्टिंग्विशेस फैक्ट्स फ्रॉम इन्फेरेंसेस. एनालिसिस करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर को या कोई भी लर्निंग स्ट्रक्चर को या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को पार्ट पार्ट करके उसको समझना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रबल शूट ए पीस ऑफ इक्विपमेंट बाई यूजिंग लॉजिकल डिडक्शन, रिकोगनाइज लोकल फैलसीज इन रीजनिंग, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डिपार्टमेंट. टीजर सम ऑफ द इन साइंस एंड मैथमेटिक्स ऑल्सो
we may cite additional examples in science and mathematics. Analysis is a must, analyzing each and every part to reach at conclusion or inference. ये एनालिसिस सब डोमेन के लिए कुछ क्रियाएं या कुछ एक्शन वर्ब्स का बात हम करें, जैसे कि द चाइल्ड इज एबल टू एनालाइज, ब्रेक डाउन, कंपेयर, कंट्रास्ट, डायग्राम, डीकंस्ट्रक्ट, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई, इलुस्ट्रेट, इन्फर, आउटलाइन, सिलेक्ट, सेपरेट। जब एनालिसिस सब डोमेन का मास्टरी हो जाता है विद्यार्थियों को या अधिगमकर्ता को, वो ये सब करने के लिए समर्थ होता है। कुछ ब्रेकडाउन कर लेगा, कुछ कंपेयर कंट्रास्ट कर लेगा, डिफरेंशिएट करेगा, डिस्क्रिमिनेट भी कर सकता है, डिस्टिंग्विश भी कर सकता है, सेपरेट भी कर पाएगा फ्रॉम ए वन एलिमेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर एलिमेंट। ये सब करने के लिए एनालिसिस का ही प्रयोग करना चाहिए। वो एनालिसिस इन दिस सेंस analysis is an important subdomain of cognitive domain of learning. Next is synthesis. Synthesis, analysis part part करते हुए conclusion में पहुँचना पड़ता है, लेकिन synthesis is building a structure or a pattern from diverse elements, synthesize, संश्लेषणात्मक व्यवहार, put parts together to form a whole, कुछ पार्ट पार्ट को जोड़ के एक होल बनाते हुए एक न्यू स्ट्रक्चर पर आना, ये सिंथेसिस, क्रिएटिंग ए न्यू मीनिंग और न्यू स्ट्रक्चर, ये सिंथेसिस का बात, सिंथेसिस ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जांपल, राइट ए कंपनी ऑपरेशंस और प्रोसेस मैनुअल, डिजाइन ए मशीन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, इंटीग्रेट ट्रेनिंग फ्रॉम सेवरल सोर्सेस टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, revise and process to improve the outcome of learning. Some of the examples we may say. Keywords or action verbs used for synthesis subdomain are categorize, combine, comply, compose, create, dive, devise, design, explain, generate, modify, organize, reconstruct, relate, reorganize, rewrite, summarize. These are the some of the important action verbs used for synthesis subdomain of cognitive domain of learning. Next is evaluation ya mulyankan. Evaluation, it is nothing. It is making judgments about the value of an idea or materials. It is the quantitative assessment plus qualitative assessment along with value judgment. सो इवैल्यूएशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, हम लोग पढ़ चुके हैं ये मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सतत या निरंतर मूल्यांकन भी हो सकता है, व्यापक मूल्यांकन भी हो सकता है, इट में भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इट में भी समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये इवैल्यूएशन का हम बात करें, इवैल्यूएशन इज द टॉप सब डोमेन इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। For example, select the most effective solution, hire the most qualified candidate, explain and justify a new budget. These are the examples. Keywords used for evaluation component are appraise, compare, conclude, contrast, criticize, defend, describe, discriminate, evaluate, explain, interpret, justify, relate, summarize. These are the action verbs used for evaluation as a subdomain of cognitive domain of learning. Now let's summarize. The cognitive domain of learning includes 6 major subdomains, that is knowledge, gyanatmak, comprehension, bodhatmak, that is understanding, application, prayogatmak, kuch prayog karke dikhana, एनालिसिस विश्लेषण करते हुए, सिंथेसिस संश्लेषण करते हुए, देन इवैल्यूएशन मूल्यांकन करते हुए। जब ये छः चीज को एक विद्यार्थी या अधिगमकर्ता करने में समर्थ हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि ही इज एबल टू
acquire the cognitive domain of learning. This is, with this, I think these are some of the important points or tips that will help you to understand the cognitive domain of learning objectives, and it is highlighted by Benjamin S. Bloom. Thanks.